रहे हैं क्राइम स्टोरी। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर चलती रोडवेज बस में महिलाओं एवं यात्रियों के साथ मारपीट के एक आरोपी को पुलिस ने शांति भंग के धारा में कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस आरोपी के फरार साथियों की तलाश कर रही है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि बीती रात जनपद शामली के कांदरा दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर रोडवेज बस में 3 युवकों ने सीट को लेकर महिला व पुरुषों के साथ मारपीट कर युवकों और युवतियों को घायल कर दिया था। युवक और युवतियों ने 3 युवकों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराते हुए 3 युवकों पर आरोप लगाया था। चलती बस में सवारियों ने एक युवक को मौके पर ही दबोच कर मारपीट करते हुए पुलिस को सौंप दिया था, जबकि युवक के दो साथी भागने में सफल रहे थे। पुलिस पूछताछ में युवक ने अपना नाम सागर निवासी पंजोखरा थाना कांदला बताया है। पुलिस ने युवक पर कानूनी कार्रवाई करते हुए शांति भंग की धारा में जेल भेज दिया है। वही पुलिस युवक के फरार 3 साथियों की तलाश कर रही है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से संवाददाता फुरकान जंग की रिपोर्ट। सागर रेड हो गई थी ये बस में, पता नहीं कौन थे, नहीं हो गई थी सीट के ऊपर। कल इसने जो है सीट को लेकर विवाद हो गया था। तीन लड़के थे ये, इन्होंने जो एक आदमी के साथ मारपीट करी थी और जो इसको एक को पब्लिक ने पकड़ के लाए थी। पुलिस इसको गिरफ्तार करके आज 151 के अंदर शांति भंग की मैं जो जेल भेजा गया।